हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, सेफ रहिए, अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अंशु से और आरुष से स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाय अंशु। हाय गाइस। हेलो आरुष, कैसे हैं आप सब? बोलो। सब अच्छे हैं और तुम भी अच्छे हो, है ना? तो गाइज इनको चाउमीन खानी है, तो हम लोग जा रहे हैं चाउमीन लेने। क्या खाना अंशु, क्या क्या खाना? फ्रेंच फ्राइज, चाउमीन। तो चलिए इनके लिए चाउमीन और फ्रेंच फ्राइज लेने जा रही हूँ मैं। आज मंदिर में कुछ हो रहा है, देख रहे हैं गाने की आवाज आ रही है। देखो ये सैनिटाइज कर रहे हैं मंदिर को, ये सैनिटाइज कर रहे हैं। ये खड़ी हमारी लूना बसंती खड़ी है, दोनों पीली लाल। कौन सी से जाओगे? लाल से। तो ये गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, ये लाल से जाएंगे आज। लाल मेरी है, पीली इनकी है। तो आ गई है हमारी स्कूटी। गाइस हम जा रहे हैं मार्केट बाड़गंज, और अभी बहुत धूप हो रही है, गर्मी भी बहुत है। ये पपल्ला स्कूटी चला रहे हैं। तो चाउमीन हम लोगों ने ले ली है। हम गन्ने का जूस पीने आए हैं यहाँ पे। थैंक यू भैया। गन्ने का जूस रही। चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, अंशु की रही। अंशु खा रहा मजे से। अच्छी अंशु, सब खा रहे हम लोग। कहाँ जा रहे हो? बाल कटाने। बाल कटाने, हीरो बनने? जवान बनने। जवान बनने। अब ये जा रहे हैं सैलून, अब हीरो बन के आएंगे। तो गाइस ये आ गए हैं सैलून से, दिखाती हूँ। अभी हीरो बन के आए हैं और क्या कर रहे हैं ये भी दिखाती हूँ। पापा क्या कर रहे हैं, चलो दिखाते हैं। चलो चलो चलो, मैं लेके चलती हूँ। तो ये जीरो से हीरो बनने गए थे। और ये देखो काला मुंह करके ले आए, काला मुंह करके ले आए, काला मुंह कर कह रहा है, मुंह काला करके आ गए। Wait a minute, who are you? मुंह काला नहीं है, मास्क लगा के रिलैक्स होके लेटे। 20 मिनट तक इनको रिलैक्स करना होना है। अंशु कह रहा है मुंह काला करके आ गए। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? तो गाइस ये रहा वो बुड्ढा इंसान, जवान बन के आ गया, जिसके वाइट बाल वाइट दाढ़ी थी। अब जवान लग रहे हो, गोरे चिट्टे। गोरा चिट्टा नीचे से इतना अच्छा है। ये हमारा झंडा, तिरंगा झंडा। हम लोग घूम रहे हैं डिनर विनर करके। गाइस हम लोग खाना खा के घूम रहे हैं, और मैं जा रही हूँ आइसक्रीम लेने। और यहाँ लाइट गई भी है, अंधेरा अंधेरा हो रहा होगा। आइसक्रीम हमने ले ली है, तुम्हारी दिखाओ उसकी। मैंने कच्चा आम लिया है, इन्होंने पक्का। The next day. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए।
तो गाइज आज है ब्लॉग का डे टू, क्योंकि कल मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी ब्लॉग, थोड़ा सा ही बना था क्योंकि कल मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत वीकनेस और बहुत बॉडी पेन हो रहा था, तो मुझे इंजेक्शन लगा था, तो मैं रेस्ट कर रही थी तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी। तो आज तो आरुष को आज इंजेक्शन लगेगा, आज वैक्सीन लगेगी आरुष को, मुझे कोरोना हो गया, चल कोरोना होने की नहीं, कोरोना से बचने के इंजेक्शन लगेगा। तो इसका आज हमने बुकिंग कर रखा है, कोविड का इसका इंजेक्शन लगना है आज, ये 12 प्लस हो गया है, तो इसके लिए अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल अभी इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो मैं दिखाऊंगी ये कैसे रोता है ना अंशु, अंशु को नहीं लगेगा, अंशु छोटा है ना, जब ये 12 प्लस रहेगा तब इसको भी लगेगा, है ना। तो चलिए गाइस चलते हैं। हॉस्पिटल में इसको इंजेक्शन लगवाने, वैक्सीन लगवाने, इसको यही है वो हॉस्पिटल। गाड़ी पार्क कर रहे हैं, यहाँ तो भीड़ देखो गाड़ियों की, डर लग रहा है अरुष? नहीं। क्यों? हाथ पे लगाने, ये हाथ पे लगाने से नहीं डरता, बम पे लगाने से डरता है। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम, हाथ में इंजेक्शन लगाने से नहीं डरता ये। तो देखते हैं, बहादुर बच्चा है संतोष कुमार का, है ना। अंशु पीछे रह गया था, पीछे कैसे रह गया, बहुत क्या रहा है। ये सारे बच्चे वैक्सीन के लिए रेडी हो रखे हैं। हरुष अपना नंबर दिखा, 8 नंबर मिला है इसको, सारे अभी रेडी वैक्सीन के लिए, वैक्सीन लगेगा और उस लाइन में इसका नंबर आने वाला है, इसके बाद इधर ही जाएगा, वैक्सीन लगेगी इसको। डर लग रहा है अरुष? नहीं लग रहा, देखना नहीं, देखना नहीं है, आंटी लगा देंगे अच्छे से। हो गया, हो भी गया, पता ही नहीं चला। अब रेस्ट पे है, हाँ दर्द हुआ? नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, अभी रेस्ट, थोड़ा वेट करने के लिए बैठा है, वैक्सीन लग चुकी है इसको, देखा नहीं। तो फाइनली आरुष का फर्स्ट डोज लग चुका है, कोविवैक्सीन लग गया है इसको, तो उसकी फर्स्ट डोज है, इसको दर्द भी नहीं हुआ, ग्रेट। दर्द नहीं हुआ ना, कह रहा है मेरे को फील लगने में भी, चोट लगने में भी दर्द हुआ, लेकिन इसमें तो दर्द ही नहीं हुआ, फाइनली पिज्जा आ गया है। अंशु इसके वैक्सीन लगे तो इसने वैक्सीन इस वजह से लगवाई है कि मैं पिज्जा खाऊंगा तब वैक्सीन लगवाऊंगा। अब ये सूंघ सूंघ के देख रहा है डॉगी की तरह, दोनों दोनों कैसे एक्साइटेड है पिज्जा के लिए। तो इनके लिए पिज्जा मंगवाया इनके पापा ने, क्योंकि इसको वैक्सीन लगी है इसलिए। तो तू खा तो पाएगा नहीं हाथ से, तेरे को थोड़ी लगी, खा लूंगा, तू तो खा लेगा। ये तो कुत्ते की तरह सूंघे जा रहा है। तो चलिए अंदर ले चलते हैं। तो गाइस अभी मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करूंगी, रोटी भी बना रही हूँ हथियार, तो मैं छोटी सी रेसिपी शेयर करूंगी जो मैं बना रही हूँ घर में, रबड़ी बहुत टेस्टी बनती है, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे बनाते हैं रबड़ी। तो गाइज रबड़ी बनाने के लिए मैंने आधा किलो दूध का घर में दूध को फाड़ के छेना बनाया था, उसको हथेली से अच्छे से रगड़ के ये एकदम बारीक कर लिया है, इसको ऐसे ही करना है। और यहाँ पे मैंने कुछ बादाम क्रश करके रखे हैं, 7-8 इलायची का, ये मैंने दिखा देती हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये ना पाउडर जो इलायची के दाने होते हैं ना, उसको मैंने हरी इलायची से दाने निकाल के इसको कूट लिया है, इसका पाउडर बना लिया है, इलायची पाउडर। और यहाँ मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई में आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा मैंने ये दूध है जो लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे इस तरह से खरोचते हुए, जो कि रबड़ी अच्छी बने।
इसको अच्छे से बॉईल कर लेना। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, खाली दूध बॉईल करा है। जब ये अच्छे से जितना दूध है इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर मैं इस छेना को इसके अंदर डाल दूंगी और चलाते चलाते हम इसको पकाते रहेंगे, तभी सारा कुछ डाल देंगे हम, इलायची भी, बादाम भी और चीनी भी, और फिर इसको पकाते रहेंगे इस तरह से खरोच खरोच को। ये देखिए दूध मैंने धीमी आंच पे पकते छोड़ दिया था, ये जितना मैंने दूध लिया था उससे आधा हो चुका है। अब मैं इसी स्टेज पे ये जो इलायची पाउडर पीसा था ये डाल देती हूँ, चीनी डाल देंगे, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसको चला लेंगे अच्छे से। अब हमें सब चीज डाल देनी है, ये जो पनीर है इसको भी डाल देंगे। पनीर आप बाजार वाला भी ले सकते हो, ये मैंने घर में बनाया था। अगर बाजार वाला लेंगे उसको भी इसी तरह से हाथ से मलते हुए अच्छे से क्रश कर लेना, अच्छे से मैश कर लेना है। अब ये जो बादाम है हम इसमें से आधे डालेंगे, आधे हम गार्निश के लिए छोड़ देंगे ऊपर से डालने के लिए। अब इसको इस तरह से चलाते हुए हमें कंटिन्यू धीमी आंच पे ही पकाना है, जो कि अगर तेज आंच पे पकाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा, इसलिए धीमी आंच पे ही हमें वाइट रहने देना है। तो धीमी आंच पे इसको चलाते हुए पकाते रहना है। गाइस देखिए बॉईल आ गया है, इसको हमें इसी तरह चलाते चलाते जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, बहुत गाढ़ा नहीं करना है, मैं बता दूँगी किस स्टेज तक बनाना है। अगर जैसे आप कलाकंद बनाते हैं, कलाकंद भी ऐसे ही बनता है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस ये है पकने का थोड़ा सा चेंज है। जब रबड़ी बनाते हैं उसको थोड़ा पतला रखेंगे, और अगर हम कलाकंद बना रहे हैं तो उसको खूब अच्छे से गाढ़ा कर लेते हैं, डो की तरह भी नहीं, मतलब अच्छे से जो कि वो जम जाए। चलिए बना लेती हूँ मैं क्योंकि पूरी वीडियो नहीं बना रही चलाते चलाते, क्योंकि मैं साथ में रोटी भी बना रही हूँ। मैं रोटी बनाते बनाते इसको साथ में चलाती भी जा रही हूँ, आप लोग छोड़ना नहीं, आप लोगों को भी चलाते ही रहना है। मैं तो रोटियाँ बना रही हूँ इसलिए मैं कंटिन्यू आपको नहीं दिखा रही हूँ चलाते हुए, पर आप इसी तरह से चलाते चलाते धीमी आंच पे ही पकाएंगे। गाइस अभी ये धीमे धीमे आंच पे पक रही है, बस गैस की फ्लेम को तेज नहीं करना है, कम आंच पे ही इसको पकाना है। और ये जो मैंने पनीर को दूध को फाड़ा था, पनीर निकाला था, ये उसका पानी बचा है, इसको भी वेस्ट नहीं करना, फेंकना नहीं है। आप इससे आटा गूंथ सकते हो, संभाल के रख लीजिए, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, शाम को इसी का आटा गूंथूंगी, आटा बहुत अच्छा गूंथता है। तो ये देखिए गाइस इतना गाढ़ी, अगर आपको रबड़ी बनानी तो इतना गाढ़ा काफ़ी है, और अगर आपको कलाकंद बनानी है तो इससे थोड़ा सा और पका लेंगे, जिससे कि वो बर्फ़ी की तरह जम जाए, तब उसको किसी प्लेट में या थाली में आप जमा सकते हैं। मैं इतना ही रखूँगी और मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी, क्योंकि ठंडा होते होते भी ये और गाढ़ा हो जाएगा। और इसको एक बर्तन में निकाल के थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूँगी, फिर फ्रिज में रखूँगी। तो मैंने इस बाउल में निकाल ली है अपनी रबड़ी, और अब इसको ये बादाम जो बचाए थे मैं इससे गार्निश कर लूँगी। ये देखिए मेरे से तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा गाइस कि रह पाऊँ, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है ना, तो इसको ठंडा कर लेंगे। मेरे को तो रहा नहीं जा रहा, मन कर रहा बहुत इसे खा लूँ। जब मेरा मीठा खाने का मन करता है तो मैं ऐसे ही घर में कलाकंद, रबड़ी वगैरह ऐसा कुछ भी बना लेती हूँ। मैं नहीं मानता। तो गाइस हल्का फुल्का ठंडा हो चुका है, पर मेरे से सब्र नहीं हो रहा, इसलिए अब मैं इसको ये फ्रीजर में रखूँगी, जो कि जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं खा लूँगी। जब तक मैं खाना खाऊँगी, लंच करूँगी, फिर ये खा लेंगे हम। आप इसमें भी रख सकते हैं नॉर्मल वाले में, क्योंकि इसी में ही रखा जाता है, पर मैं जल्दी ठंडा करना चाहती हूँ तो इसमें रखूँगी। आप लोग नॉर्मल करके ही रखें, गर्म गर्म ना रखें। तो चलिए जब तक ये ठंडा, मेरी रबड़ी तैयार है और मैंने फ्रीजर में ठंडी करने के रख दी, जब तक मैं लंच कर लेती हूँ गाइस। तो बताना रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। रबड़ी की बहुत आसान है, जल्दी भी बन जाती है, बस पेशेंस रखना है, और बहुत मज़ा आता खाने में। मैं तो रबड़ी कलाकंद इसी तरह से बनाती हूँ, आप लोग बताना कैसे बनाते हैं। लेट गया, ओए तार निकल गया।